लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए News 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका News 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बीर सिंहपुर पाली थाना अंतर्गत पटवारी पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करने हल्का पटवारी ने थाना प्रभारी से मिलकर पटवारी मूलचंद डुडवे के साथ की गई मारपीट की शिकायत की है। पटवारियों ने बताया कि पाली तहसील अंतर्गत ग्राम मेढकी और ग्राम ओदरी हल्का के पटवारी मूलचंद डुडवे को 25 जनवरी को वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मेढकी में अवैध बोरवेल कराया जा रहा है, जिसके बाद मूलचंद आदेश के बताए स्थान पर पहुंचा और जिस व्यक्ति के द्वारा बोरवेल कराया जा रहा था उससे बोरवेल कराने वैधानिक दस्तावेज मांगा गया तो वहां उपस्थित शमशेर और उनके 4-5 अन्य साथियों ने गाली गलौज करना चालू कर दिया, जिसका उन्होंने विरोध किया तो सभी मिलकर मारपीट करने लगे। वहीं इस संबंध में नगर निरीक्षक का कहना है कि पटवारी मूलचंद डुडवे को शिकायत पर उक्त व्यक्तियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने मारपीट सहित ST SC एक्ट के तहत मुकदमा पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट News 29 इंडिया। 25 तारीख शाम की घटना है। मुझे RIU सर रतनम सर का फ़ोन आया था 5:57 पे कि SDM साहब का आदेश है, आप ग्राम मेढकी में हो रहे अवैध बोरवेल को जाकर रोके और उसके जब्तीनामा बनाए। तो मैं मौके पे पहुंचा वहाँ पे, तो उनसे पूछताछ किया कि आप बोरवेल करवा रहे तो उसका आपके पास परमिशन है, सर्टिफिकेट है उसका, तो उनके द्वारा कोई भी कागज़ कार्रवाई के लिए नहीं दिखाए गए। तो मैं फिर से ये सूचना हमारे RIU साहब रतनम सर को बताया फ़ोन पे कि साहब इनके पास कोई परमिशन नहीं है और प्रतिबंध भी नहीं है, ये बता रहे। तो RIU रतनम सर के द्वारा बताया गया कि आप गाड़ी का नंबर के फ़ोटो और जब्तीनामा बना लीजिए। मैं गाड़ी का नंबर लेने फ़ोटो लेने लगा और उतने में वो लोग पीछे से आके मेरे को मारने लगे। किसने मारपीट किया? जी शमशेर और उनके साथी मूलचंद डुडवे हैं, ये हल्का पटवारी हैं मेढकी क्षेत्र के। वहाँ से सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध रूप से उसमें बोर हो रहा है, तो ये अपना शासकीय का उस प्रोविजन से वहाँ गए थे और वहाँ जब वहाँ पूछे तो शमशेर नाम का एक मुसलमान है, उसने इनके साथ इससे पूछताछ किए तो आवेश में आकर इनके साथ मारपीट किया, इनके शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न किया। तो इसमें 353, 332 और IPC और ST SC एक्ट के तहत क्राइम की गई है और आगे इन्वेस्टिगेशन में लिया गया मामला और आगे विचारणा की जाए। तो आप देखते रहिए News 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।